राष्ट्र और राष्ट्रीयता की अवधारणा। वर्तमान में विश्व के प्रायः सभी देशों में राष्ट्र राज्य की अवधारणा स्वीकार्य है। वह अवधारणा उस रूप में अधिक प्राचीन नहीं है। यूरोपीय देशों में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। यह कहना उचित होगा कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना पनपी। यहीं से ही यह भावना अन्य महाद्वीपों में फैली। अफ्रीकी, अमेरिकी और एशियाई देशों में राष्ट्रीयता की भावना यूरोप के देशों से ही आई। भारत में भी विगत 150 वर्ष पूर्व राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। राष्ट्रीय भावना के विकास के साथ हिंदी भाषा और साहित्य का नए रूप में विकास हुआ। उस काल में जनजीवन एवं रचना जगत में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति के लिए स्वदेश प्रेम सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय था। एक सामान्य भारतीय के लिए अपने देश से प्रेम रखना यहाँ की भौगोलिक, प्राकृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक विशेषताओं में दिलचस्पी लेना, यहाँ की ऋतुओं, नदी नालों, दृश्यों और फूल फलों आदि में रुचि लेना, यहाँ के लोगों से प्रेम करना, यहाँ की भाषा एवं बोलियों को अपनाना, व्यवहार में लाना आदि, इसी प्रकार की कुछ मान्यताओं को तत्कालीन राष्ट्रीयता का तत्व अथवा प्रतीक माना जाता था। राष्ट्र और राष्ट्रीयता की अवधारणा पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के चार अध्याय नामक अपनी कृति में भारतीय राष्ट्रीयता के स्वरूप को रेखांकित करते हुए लिखा है कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता तथा उनसे संबद्ध राष्ट्रगीत, राष्ट्रनायक, राष्ट्रपिता, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रभाषा जैसे अलंकरणों की राजनीतिक अवधारणा भारत के लिए बहुत पुरानी नहीं है। इनका प्रचलन हमारे सामाजिक जीवन में तब प्रारंभ हुआ जब भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के संघर्ष से व्युत्पन्न सांस्कृतिक पुनर्जागरण की लहर पिछली शताब्दी के उत्तर काल में उठी थी। इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के मंत्रदाता राजा राम मोहन राय थे, जो उत्तर मध्यकालीन हिंदू वैचारिक जड़ता में पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा और विविध यूरोपीय संपर्कों से व्युत्पन्न वह पहली छिटकन थे जहां से इस देश में आधुनिकता की अरुण किरण झिलमिला उठी थी और नूतनता तथा स्वतंत्रता के लिए उसका अप्रतिहत अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। उन्होंने हिंदू हृदय को शुद्ध धर्म के अलौकिक विज्ञान और वेदांत का मेल प्रस्तुत किया और उस सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को पुनर्मजित किया जिसकी कुक्षी से आगे चलकर राजनीतिक राष्ट्रीयता उत्पन्न हुई। राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव देशवासियों में राजनीतिक राष्ट्रीयता के उत्पन्न होने के कारण देश को सदियों की प्रतंत्रता से आजाद कराने की भावना उत्पन्न हुई। आजादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष प्रारंभ किया गया। इतिहास साक्षी है कि इस संघर्ष में सारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधकर स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा ने संपूर्ण देश में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। राष्ट्रीयता की भावना ने ही समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने को बाध्य किया।